हल्दी और तेल चढ़ने के बाद आपको मिलता है एक पर्सनल बॉडीगार्ड जो कि पूरी शादी में आपके आसपास ही रहेगा। और ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता। हल्दी को हमारे यहाँ कितना सीरियस लिया जाता है ये तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे। फिर जल्दी से नहा धोकर रेडी हो जाता हूँ और वापस पहुँच जाता हूँ होटल पे जहाँ पे सारी पूजा कम्प्लीट की जाती है, जिसके बाद मुझे रेडी करने का काम होता है जीजा का, क्योंकि मेरे टोटल 3 जीजा हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा मुझे सारे रेडी करते हैं। लेकिन मेकअप वाला काम तो दीदियां ही करेंगी, और आपको बता दूं मेकअप लगवाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और फाइनली अपने टाइम से 4 घंटा लेट हमारी बारात निकल जाती है। और क्या इससे पहले आपने कभी किसी दूल्हे को अपनी शादी में ब्लॉगिंग करते देखा है? अगर देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। शहर से बाहर निकलने से पहले मंदिर में पूजा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए डू सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में।